तो मैंने न्यू ब्रांड लॉन्चेस पे ज़्यादा काम किया होगा रादर देन पुराने ब्रांड्स के लिए काम करने में। इस टाइम पे आप देखें तो पिछले 15 साल के अंदर जितने ब्रांड्स आए हैं उतने शायद हमारे पूरे रीजन के अंदर इतने ब्रांड्स लॉन्च ना हुए। एग्जैक्टली अल्लाह का जो निज़ाम है ना वो इनपुट के ऊपर है, आउटपुट पे नहीं है। आप कोई भी बंदा टॉप ऑफ द लाइन उठाए इंडस्ट्री का, वो कोई कस्टमर्स का ट्रक थोड़ी साथ लेके आएगा। तो किसी भी कारोबार के अंदर तीन तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब माल्टा लिंक रोड इज अ फीमेल ओरिएंटेड ब्रांड, करीम ब्लॉक लाहौर इज अ मेल ओरिएंटेड मार्केट। आप यहाँ ला के ब्रांड्स बिठा लेंगे नहीं सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। और फिर एक सर्टन साइज रिक्वायर्ड है। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिकदरि हुस्नि व जमालिहि व नूरिहि व कमालिहि। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों अब तक की कॉपरेशन और अब तक की अप्रिसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है मार्केटिंग बजट। क्या, कैसे, कौन, कब, कहाँ मार्केटिंग बजट जो है वो बनाता है, और मार्केटिंग बजट, मार्केटिंग कैंपेन किस तरह की होनी चाहिए, फैशन रिटेल में मार्केटिंग बजट किस तरह से होता है, FMCG में मार्केटिंग बजट किस तरह से होता है, और अगर आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं तो आपका मार्केटिंग बजट जो है वो क्या होना चाहिए। दोस्तों अगर आप मार्केटिंग बजट से ऊपर पहुंच गए हैं, आपने ऐसी कोई कैंपेन बनाई है जो कि मार्केटिंग बजट से ऊपर पहुंच गई है, इन सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन मार्केटिंग प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। लेडीज एंड जेंटलमैन, इनको रिटेल सेल और मार्केटिंग गुरु भी कहा जाता है। ही इज वर्किंग एज ए बिजनेस हेड एट जनरेशन। जी हाँ, जनरेशन एक ब्रांड है जो कि फीमेल में बहुत ज़्यादा मशहूर है। आइए मिलते हैं अयाज जमील से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच अयाज फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। मैं सुपर एक्साइटेड इसलिए हूँ कि आई एम श्योर दैट दिस सेशन इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल सेशन इंशाल्लाह ताला, एंड आई एम फॉलोइंग यू और यू आर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट इन रिटेल एंड इन सेल्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो तो है ही बहुत इंटरेस्टिंग, एंड दैट इज़ अबाउट द मार्केटिंग बजट। सो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि जो मार्केटिंग का जो बजट है वो किस तरह से बनाया जाता है और कितना बजट एक कैंपेन के लिए होना चाहिए। आई थिंक ये वेरी करता है, डिपेंड करता है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं और उसकी एज क्या है। सो अगर आप, सो मेरा तकरीबन अब 21 साल हो गए इंडस्ट्री के अंदर, और मेजरली अगर आप करियर को भी देखेंगे ना तो मैंने न्यू ब्रांड लॉन्चेस पे ज़्यादा काम किया होगा रादर देन पुराने ब्रांड्स के लिए काम करने में। सो जब भी कोई नया ब्रांड मार्केट के अंदर आ रहा होता है, जैसा पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है इसके अंदर अगर इस टाइम पे आप देखें तो पिछले 15 साल के अंदर जितने ब्रांड्स आए हैं उतने शायद हमारे पूरे रीजन के अंदर इतने ब्रांड्स लॉन्च ना हुए। एग्जैक्टली तो लोगों को पहले सेंस नहीं थी ब्रांड्स की। सो आई थिंक रिलेटिवली जब आप कोई नया ब्रांड लॉन्च कर रहे होते हैं तो वहाँ पर मार्केटिंग स्पेंड इज़ वे हायर। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि आपने आज अपनी कोई चने की रेड़ी लगा ली है और आपको उसके लिए भी एक सर्टन वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करने के लिए एक टाइम तक कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, बट डाउन द रोड 4-5 साल के बाद आप एक एवरेज मार्केटिंग स्पेंड पर ऑपरेट करना शुरू कर देंगे। सो नई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आई थिंक 20-25% तक का भी मार्केटिंग स्पेंड आ रहा होता है ड्यूरिंग कैंपेन्स, बट जो स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर 6-10% के अंदर है, जो पावर ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर 3-5% के अंदर है। और ये आप जो फिगर्स बता रहे हैं ये सेल्स का बेसिकली है। जी, सेल्स की परसेंटेज, सेल्स की परसेंटेज है। बिकॉज नई ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता नहीं कि मैं बेचूंगा क्या। बिल्कुल। मैं 100 रुपये की सेल करूँगा या 1,00,000 रुपये की, तो आप प्रोजेक्ट करते हैं कि मैंने ये 4 दुकानें खोली हैं और इन 4 दुकानों पे इतने लोग लाने हैं, इसके लिए मुझे इतना स्पेंड करना है। बट अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे 10-15 साल लगा लिए मैं इंडस्ट्री में, उसके 20-30 स्टोर है, तो उसको पता है कि वो एक एक्स नंबर की सेल्स ऑलरेडी डिलीवर कर रहा है और वो पिछले 10 साल से मार्केटिंग भी कर रहा है। सो अनलेस अगले साल में कोई नई चीज़ नहीं आ रही है तो आपके पास एक नेचुरल ऑर्गेनिक फुटफॉल तो दुकानों पर आ ही रहा होता है, उसके लिए आपको कोई बहुत अग्रेसिव स्पेंड नहीं करना पड़ता है। हाँ, आप कोई नई स्टोर्स खोल रहे हैं, कोई नई शहरों में जा रहे हैं, वहाँ आपकी एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट ज़रूर आ रही होती है
कोयटा में किसी ने स्टोर खोला है, पहले नहीं था, तो कोयटा उसको एक दफ़ा रंगना पड़ेगा. सो वो एक सर्टन इंक्रीज ज़रूर, बट वो आपने बजट में बेक इन किया हुआ होता है. अदरवाइज आपका एक स्टैटिक मार्केटिंग स्पेंड आ रहा होता है, सेल्स का एक सर्टन परसेंटेज है. बिल्कुल सही है. अच्छा यार, जब हम अपने बजट्स प्लान कर रहे होते हैं तो सम टाइम हम बजट से ऊपर निकल जाती है कैंपेन्स, तो मेरा पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि हाउ टू स्टिक ऑन बजट. देखें, जो ऊपर निकलने वाला काम है ना, वो जनरली उस वजह से होता है कि आपकी एस्टिमेट्स ठीक नहीं है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है कि आप ऊपर निकलें. दूसरा फैक्टर जो उसको इफेक्ट करता है वो इन्फ्लेशन है. सो जिस तरह आप रिसेंट पास्ट में देखते हैं कि इस साल के अंदर जो मीडियम्स हैं, जो ब्रिक एंड मॉटर में कहीं पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे फ्लेक्स है या विनाइल्स हैं, उसके अंदर 30-35-40% की कॉस्ट रेज कर गई है. वो अनकंट्रोलेबल है. सो वहाँ पर आप ये कॉल ले सकते हैं कि यार आपने एक्टिविटीज़ को कट ऑफ करना है या नहीं करना है. बिकॉज कोई भी स्पेंट जो है वो जनरली आता है कि यार आपने ये 10 काम करने हैं और इन 10 कामों की एस्टिमेटेड वैल्यू एक्स रुपीज़ है. अब अगर मार्केट के अंदर उनकी प्राइस इंक्रीज कर गई है, तो या तो आप उन 10 कामों पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे या आप स्पेशल अप्रूवल लेंगे और फिर आप कहेंगे अच्छा यार हम इसमें एक सर्टन परसेंटेज से एक्सीड करेंगे. अदरवाइज अगर आपने इनपुट अपनी सही तरह, सो मार्केटिंग बजट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो मार्केटिंग प्लान है. यस, कि आपने करना क्या है और क्या करने के लिए कितने रुपए लगाने हैं. रादर देन आप कहें यार 100 रुपए की सेल है तो 3% के हिसाब से 3 रुपए मार्केटिंग पे स्पेंड करेंगे, ये कैलकुलेशन ठीक नहीं है. सो और ये मैं हमेशा कहता हूँ सब दोस्तों को कि अल्लाह का जो निज़ाम है ना, वो इनपुट के ऊपर है, आउटपुट पर नहीं है. और कुदरत का भी यही निज़ाम है. सो आपको कहीं पर भी जनरली आप देखते हैं तो वेयर एज दुनिया का निज़ाम इसके बरक्स हो गया. दुनिया में आप कहीं जाते हो कहते हैं यार आपने ना ये डिलीवर करना है, वो ठीक है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन ये डिलीवर करना है पर डिस्कशन क्लोज नहीं होती है. ये कैसे डिलीवर करना है इज़ द डिस्कशन, जिससे सब भागते हैं. सो आप 95% ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये फ्लॉ ऑब्जर्व करेंगे जहाँ पर सिर्फ आउटपुट के ऊपर बात होती है बट इनपुट पर नहीं होती है. सो कहेंगे कि यार ये वाली दुकान है या ये बिज़नेस है, इसमें आपने 10% ग्रोथ डिलीवर करनी है. ओके, किस तरह करनी है? इसमें कोई सेठ, कोई ओनर, कोई मैनेजर इंटरेस्टेड नहीं है. और ये जो जो अकाउंटेबल है बंदा, क्योंकि ये सवाल नहीं होता तो वो भी इस तरह सोचता ही नहीं है. सो मुझे लगता है कि जनरली ऑर्गेनाइजेशन के फ्लॉ जो है वो ये वाला है. बिल्कुल. सो आप अगर इनपुट्स डिफाइन कर लें कि यार आप ये 10 काम करेंगे और इनका रिजल्ट निकलेगा वो 10-15% की ग्रोथ, और इस पे मेरी ये सर्टन कॉस्ट आ रही होगी, ये मैं एक्सपेंस इनकर कर रहा हूँगा. अदरवाइज जब आप सिंपल आउटपुट के ऊपर बात कर रहे थे, सब आउटपुट की बात कर रहे हैं अपने. एग्री. देखिए, मैं अगर एक ब्रांड के अंदर काम करता हूँ ना, और मैं कहता हूँ कि यार इस साल हम 15% की ग्रोथ करेंगे, 20% की करेंगे, 30% की करेंगे, वो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है. मतलब इस पूरी दुनिया के अंदर वह लाखों ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ब्रांड्स होंगे, कंपनीज होंगी, मेडिसिन होगी, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है. कोरोना आ गया तो कोरोना की दवाई भी बिकनी शुरू हो गई, टेस्ट के भी पैसे चार्ज हो गए, डिवाइसेस नहीं आता तो नहीं बिकता. सो दुकानों और कारोबार में भी इसी तरह ही है. आप कोई भी बंदा टॉप ऑफ द लाइन उठाए इंडस्ट्री का, वो कोई कस्टमर्स का ट्रक थोड़ी साथ लेके आएगा कि हाँ जी ये हसन रजा साहब आज आए हैं तो आज पीछे दुकानों के ऊपर जो है ना वो कस्टमर का ट्रक साथ लें, ऐसा नहीं है. सो आप प्रोसेसेस के ऊपर, इनपुट्स पे ही काम करेंगे, आउटपुट अल्लाह के ही कंट्रोल में है. बिल्कुल. तो बजट के साथ भी बिल्कुल इसी तरह से है. अगर आपने इनपुट्स के ऊपर काम किया हुआ कि यार मैंने ये 10 काम करने हैं, इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट ये है, तो फिर आप बजट से ऊपर नहीं जाएंगे और उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आ रहा होगा. बिल्कुल सही. अच्छा यार, यू आर लीडिंग माशाल्लाह वन ऑफ द टॉप ब्रांड ऑफ पाकिस्तान जनरेशन. आई थिंक बहुत ही बेहतरीन ब्रांड अल्हम्दुलिल्लाह. सो वुड लाइक टू नो अबाउट इट, दैट कि जो हमारा जो पाकिस्तान में जो रिटेल है, आई मीन फैशन रिटेल, एक है ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक है अनऑर्गेनाइज सेक्टर. ज़रा इसके बारे में बताइए कि कितना परसेंटेज हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर है और कितना अनऑर्गेनाइज सेक्टर है. हसन भाई, ये पिछले 10 साल के अंदर तो ये जो वेरियंस है ना बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये बहुत बड़ी रैपिडली चेंज हुई है. सो इस टाइम के ऊपर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है फैशन रिटेल का, वो तकरीबन 500 अरब रुपए का है पाकिस्तान में, जिसमें से लगभग 350-400 अरब रुपए की अपैरल इंडस्ट्री है और कोई 100-125 अरब रुपए की फुटवेयर इंडस्ट्री है. जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो इससे तकरीबन 40-50 मल्टीपल्स के अंदर है. उसका कोई
गिवन रिकॉर्डेड नंबर अवेलेबल नहीं है कहीं पर भी, बिकॉज सारे टैक्स पेयर्स नहीं है, बट जनरली यही देखा गया है कि ये कोई 90% के करीब अनऑर्गेनाइज मार्केट किसी भी इंडस्ट्री के अंदर प्रिवेल कर रही होती है। मैं जब कहता हूँ पिछले 10 साल के अंदर चेंज हुआ, उसकी वजह ये कि ब्रांड्स बहुत ज़्यादा आए हैं। शायद 15 साल पहले पाकिस्तान में 25 ब्रांड थे, 30 थे, इस टाइम के ऊपर 175 से ज़्यादा रजिस्टर्ड ब्रांड्स हैं अपैरल और फुटवेयर के अंदर। सो वो बहुत सारे वही लोग जो अनऑर्गेनाइज मार्केट में ऑपरेट करते थे, मेरा फॉर एग्जांपल अयाज बूट हाउस था कहीं पर, और जमशेद बूट हाउस था, तो वो अयाज बूट हाउस और जमशेद बूट हाउस ने अपना ब्रांड खोल लिया किसी ABC नाम से, और उन्होंने 40-50 दुकानें खोल ली, ठीक है। सो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इसी तरह से अपैरल के अंदर है कि बहुत सारे लोग जो होलसेलर्स थे या पैनोरामा में या इस तरह की रैक सेंटर टाइप की मार्केट्स में ऑपरेट करते थे, करीम ब्लॉक में करते थे, उन्होंने पैसे बनाए और उन्होंने ब्रांड्स लॉन्च करने शुरू कर दिए। सो बहुत बड़ा चंक है पिछले 15 साल में जो अनऑर्गेनाइज मार्केट से ऑर्गेनाइज मार्केट की तरफ शिफ्ट किया है। सो और ये नज़र भी यही आ रहा है कि अगले 4-5 साल के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये 500 अरब जो है ये 1000 अरब बड़े ईजिली क्रॉस करेगा, जिस तरह से ब्रांड एक्सपेंड कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा आप हमें बताएगा कि नंबर ऑफ मार्केट्स जो हैं वो सेगमेंट वाइज कितनी है? सर जनरली अगर आप देखें ना तो मार्केट को आप कोई और फैशन इंडस्ट्री की अगर बात करें तो आपको 2-3 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपके 3 रीजन्स हैं पाकिस्तान के अंदर। सो आपका सेंटर रीजन है जो पंजाब के ऊपर बेस करता है, फिर आपका नॉर्थ रीजन है जो इस्लामाबाद, पेशावर, एबटाबाद और वो वाली सारी सवाद मरदान वाली बेल्ट है, और फिर आपके साउथ रीजन है जिसमें हैदराबाद, कराची, सखर और वो वाली बेल्ट है। सादकाबाद से ऑनवर्ड्स जो है बेसिकली रिटेल में आप उसको साउथ कंसिडर करते हैं। सो ये तीनों जो रीजन्स हैं इसके अंदर फर्दर डिवीजन हो गई है अब मार्केट की। सो इन तीनों रीजन्स के अंदर आपके पास मॉल्स भी आ गए हैं, इन तीनों रीजन्स के अंदर आपके पास स्टैंड अलोन्स भी आ गए हैं जो आपको दुकानें नज़र आती हैं सेपरेटली, इन तीनों में आपके पास वॉकिंग बाज़ार्स भी हैं जिस तरह लिबर्टी है, इचरा, अनारकली है, और फिर इन तीनों के अंदर आपके पास स्पेशल मार्केट्स भी हैं जिस तरह करीम ब्लॉक है जो डिस्काउंटेड मार्केट्स क्रिएट हो गई हुई हैं। सो जनरली अगर आप बात करें तो सेंटर जो है ये रफली जो पंजाब है या KLI की बात कर लें, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद का रीजन, ये इस टाइम के ऊपर किसी भी ब्रांड के अंदर जनरली बिजनेस में 60-70% की कॉन्ट्रीब्यूशन देता है, और बाकी का जो पूरा पाकिस्तान है वो 30-35% की कंट्रीब्यूशन देता है। उसकी वजह भी यही है कि यहाँ शहर बड़े हैं। तो जैसे लाहौर की बात करें तो लाहौर के अंदर ही आपके एवरेज किसी भी ब्रांड की बात करें तो मिनिमम 4, 8, 10 स्टोर्स हैं, लोग ज़्यादा हैं, 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। कराची की बात करें तकरीबन 2.5 करोड़, 2.75 करोड़ लोग हैं, मार्केट बहुत बड़ी है। फिर छोटे जो शहर हैं आपके जिस तरह गुजरांवाला है, सियालकोट है, फिर उससे नीचे वाली जो आपकी टीयर शहरों की जिस तरह मंडी, बहाउद्दीन है, आरिफ वाला, बूरे वाला है। सो गुजरा वाला, सियालकोट में 2-2 शहर आ रहे होंगे, फिर आरिफ वाला, डस्का, बूरे वाला, जो खारियां इस टाइप के शहर हैं, यहाँ 1-1 स्टोर आ रहा होगा। इनसे भी फिर छोटे शहर हैं जहाँ पर फिर अभी ब्रांड्स ने एक्सपैंड नहीं किया हुआ है, बट जनरली अगर आप देखें तो वही 65% KLI कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है और 35% जो है वो बाकी का पाकिस्तान कॉन्ट्रीब्यूट करता है। अच्छा जी अयाज, बिल्कुल ठीक है, यू आर राइट। अब बताइए कि बेस्ट मॉल्स इन ऑल 3 रीजन्स। देखिए मॉल कल्चर जो है ना, मार्केटिंग नहीं करनी यहाँ पर किसी की, लेकिन मॉल कल्चर के ऊपर पाकिस्तान में डॉलमेन मॉल जो है, जो डॉलमेन ग्रुप है, उन्होंने लोगों को एजुकेट किया है। सो मॉल्स कराची क्योंकि पहले इस्टेब्लिश हो गई थी मार्केट, और वहाँ पर 20 साल पहले कारोबार के जो सिचुएशन ऑफ द मार्केट थी वो ड्यू टू पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, वो उस टाइम के ऊपर इतनी वर्केबल कंडीशंस नहीं थी, तो लोगों ने मॉल्स को प्रेफर किया था, लोग सेफ फील करते थे, बिल्कुल, दुकानदार भी और कस्टमर भी, कि यार मॉल के अंदर जा रहा हूँ तो इजीली ऑपरेट कर लूँगा। सो वो मैच्योर हो गए। पंजाब के अंदर अब डेवलप होना शुरू हुआ है वाला कल्चर। सो पंजाब में और नॉर्थ में, फिर पंजाब के बाद आएगा। सो जनरली अगर आप देखें तो नंबर ऑफ मॉल्स को भी, सक्सेसफुल मॉल्स की अगर बात कर लें तो वो 50% कराची के अंदर अलोन होंगे, और फिर सेंटर है आपका तो कोई 30-35% यहाँ है, और फिर आपका नॉर्थ के अंदर 10-15% है। सो अगर आप यहाँ बैठ के आज बात करें कि यार पिंडी, इस्लामाबाद और उस पूरी बेल्ट के ऊपर सक्सेसफुल मॉल कौन सा है, तो आपके माइंड में सिर्फ 2 नाम आते हैं, विच इज़ गीगा मॉल एंड सेंटोरस मॉल। इसके अलावा मॉल कोई नहीं है। अब नए मॉल्स, लेकिन जो मैं कहता हूँ कि मार्केट डेवलप कर रही है, बहुत सारे आ रहे होंगे, बट ऑन दी अदर एंड आप कराची जाएंगे तो आपके पास लकी मॉल बहुत पावरफुल मॉल है, डॉलमेन के 4 मॉल कराची के अंदर हैं, बहुत पावरफुल हैं, बिकॉज वहाँ स्टैंड अलोन मार्केट्स कम है। लाहौर में आप बात करेंगे तो आपके पास ये रीसेंट पास्ट के अंदर ही 3-4 साल, 5 साल पहले 2 मॉल्स आए हैं, अदरवाइज कोई मॉल है ही नहीं।
पहले शॉपिंग प्लाजाज को ही लोग मॉल कह दिया करते थे, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सो अब ये इंडस्ट्री डेवलप कर रही है और मॉल कल्चर जो है ये इवेंचुअली कस्टमर को बड़ा बेनिफिशियल होगा, बिकॉज आप एयर कंडीशन हालात के अंदर वन विंडो सॉल्यूशन के अंदर आते हैं, फैमिली आपकी, बच्चों ने झूले भी झूल लिए, आपने खाना भी खा लिया, ख्वातीन ने भी शॉपिंग कर ली, मर्द हजरात ने भी कर ली। सो ये अब डेवलप होता जाएगा। लाहौर के अंदर भी अब आपका फेज 6 के पास डॉलमेन का एक बहुत बड़ा मॉल आ रहा है, विच इज़ गोइंग टू बी अपेरेंटली द डिज़ाइन आई हैव सीन, इट्स गोइंग टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल लुकिंग स्टोर मॉल इन लाहौर। So develop ho raha culture bada acha, great, wonderful. So as the people are following us on LinkedIn, YouTube and Facebook, to ek hamare follower hai, he is working as a CEO of one company. Unhone kaha ki ji ke mere behalf pe Ayaz sahab se ye puche ki jo expansion hai stores ki, business ki jo expansion hai, wo kis tarah se plan ki jaye. Sir, expansion ke andar bada simple hai. Pakistan ke andar 6-7 top malls hain. So जो भी ब्रांड SEC B ऊपर और इससे अपर कैटेगरी को टारगेट कर रहा है, सो SEC A को कर रहा है, SEC B को कर रहा है, सोशियो इकोनॉमिक क्लास को, सो उसके लिए मॉल्स जो हैं वो इज़ अ प्लेस टू गो। B से नीचे है तो उसके लिए इट्स नॉट अ प्लेस टू गो अपेरेंटली, अनलेस कोई लोअर टीयर मार्केट्स के अंदर कोई मॉल है, बिकॉज वहाँ पर जो ऑपरेशनल कॉस्ट इज़ वे हायर, ठीक है जी। सो जो टॉप 6-7 मॉल्स हैं उसके अंदर जाना चाहिए, ठीक। उसके बाद आपकी KLI है, जैसे मैंने बताई है कि जो भी कोई ब्रांड अगर नया आ रहा है या पुराना भी है जिसने एक्सपेंशन ठीक तरह नहीं की हुई है, तो 60-70% किसी भी कारोबार का, वो फैशन बिजनेस ना भी हो तब भी 60-70% रफली KLI कंट्रीब्यूट करता है। सो आपके 6-8 स्टोर लाहौर के अंदर बड़ी ईजीली खुलते हैं, आपके 4-5 स्टोर पिंडी इस्लामाबाद के अंदर बड़े ईजीली खुलते हैं, आपके 6-8 स्टोर कराची के अंदर बड़े इजीली खुलते हैं। सो जनरली अगर आप देखेंगे ना सवात से लेकर कोयटे तक, तो पाकिस्तान के अंदर ब्रांडेड मार्केट्स तकरीबन 125 हैं, ठीक है। सो एक्सपेंशन भी उसी तरह से है। सो हर ब्रांड को 100 की दौड़ में नहीं लगना चाहिए, आइडेंटिफाई करें कि आप कौन से कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं, बट मिनिमम कम्फर्टेबल 50 स्टोर्स खोलने की स्ट्रेट पोटेंशियल पाकिस्तान में अवेलेबल है, स्ट्रेट। सो आपके 25-30 स्टोर इन 3 बड़े शहरों में आ गए, इसके बाद बहुत छोटे छोटे शहर हैं, एक एक स्टोर खोलते जाएं बड़े आराम से। सो आई थिंक उस पे जाके फिर आप स्टिक करें और फिर मे बी इंटरनेशनल एवेन्यूज़ देखने चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा यार, जैसे कि हमारे फॉलोअर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस और हम उनके क्वेश्चंस जो है लेते हैं, एक और हमारे फॉलोअर्स उनका एक क्वेश्चन था, आई थिंक इट इज़ वेरी रेलिवेंट और बहुत इंपॉर्टेंट। उनका ये क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर लो सेल्स। देखें, लो सेल्स की ना सो मेरी एक एनालॉजी है और वो मैं आपको बता देता हूँ। सो किसी भी कारोबार के अंदर 3 तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ये मेरी एनालॉजी है, आई माइट बी रॉन्ग, बट पहली, आपके पास ग्राहक नहीं आता, दूसरी, आता है और आपके पास शॉपिंग नहीं करता, तीसरी, आप प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है। प्रॉफिटेबल नहीं है का मतलब है कि आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी ठीक नहीं थी, या आप ओवर डिस्काउंटिंग कर रहे हैं, या आपके एक्सपेंसेस सही तरीके से, जब स्टोर्स आप बना रहे थे आपने कहा जी ये मैं अलामा इकबाल टाउन में एक स्टोर बनाने लगा और ये दिन की 1 लाख रुपए की सेल करेगा, और उसने एक्चुअली नहीं की, इसका मतलब है कि आपका लोकेशन का, फिजिबिलिटी का प्रोसेस ठीक नहीं था। अभी 90% ऑफ़ दी ब्रांड्स जो है ना वो एक दूसरे को दे के एक्सपेंड करते हैं, ब्रांड एक गया उसने कहा जी बी भी खोले, सी भी खोले, विदाउट रियलाइजिंग कि इस मार्केट का पोटेंशियल कितना है। और फिर अगर ए ने 4,000 स्क्वायर फीट का कनाल का स्टोर बनाया तो बी भी उसी दौड़ में है, ठीक है। सो हर मार्केट सेम तरीके से बिहेव नहीं करेगी, कुछ बाज़ार औरतों के लिए हैं। अब माल्टा लिंक रोड इज़ अ फीमेल ओरिएंटेड ब्रांड, करीम ब्लॉक लाहौर इज़ अ मेल ओरिएंटेड मार्केट, आप यहाँ ला के ब्रांड्स बिठा लेंगे नहीं सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। और फिर एक सर्टन साइज रिक्वायर्ड है। अच्छा, इसी तरीके से सो पहला आपका प्रॉफिटेबिलिटी का इशू है, दूसरा आपका है कि कस्टमर आपके पास आता नहीं है, ठीक है। कस्टमर आता नहीं है कि फिर बहुत सारी रीजंस है, आपने मार्केट ठीक तरह नहीं किया है, आपका स्टोर विजिबल नहीं है, आपकी स्टोर की विंडो इंटरेस्टिंग इनफ नहीं है। देखिए, आप जब इंटरनेशनल साइंस स्टडी करते हैं ना रिटेल की, तो वो कहते हैं यार अट्रैक्ट सबसे पहला स्टेप है रिटेल का, कि अगर मैं अट्रैक्ट फील नहीं करूँगा, अट्रैक्टेड नहीं फील करूँगा आपकी दुकान की तरफ, तो मैं नहीं जाऊँगा, बोर्ड्स गंदे पड़े हुए हैं दुकानों के। सो VM जो है वो अभी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं कि यार 20,000 रुपये महीने का क्यों लगाना है दुकान।
तो नहीं लगाएंगे तो लोग नहीं आएंगे, ठीक हो गया। और बहुत सारी और रीजन है जिसकी वजह से कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं है मे बी। हाँ, सो आपने पहली दफ़ा लॉन्च किया और 100 लोग आए और उसके बाद 10 हो गए एकदम, मे बी सो लोग इंटरेस्टेड नहीं है, मे बी खाने की स्मेल आ रही होती है आपकी दुकान में से, और लोग या आपके स्टाफ की ग्रूमिंग अच्छी नहीं है मे बी, या आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। सो कस्टमर ना आने की देयर मिलियंस ऑफ द रीजंस। एंड द थर्ड मेन फैक्टर इज द कस्टमर आता है और ख़रीदता नहीं है। इसका मतलब है कि आपका स्टाफ ट्रेंड नहीं है, आपका प्रोडक्ट इस काबिल नहीं है, या तो प्रोडक्ट आपका वैल्यू एडिशन मतलब वैल्यू फॉर मनी नहीं है कि आपने 1000 रुपये की एक प्रोडक्ट रखी हुई लोग आ रहे हैं नहीं। देखिए कस्टमर अपने घर से जब निकल के आपकी दुकान में आ गया ना तो वो लेने ही आया, वो ठीक है उसमें एक सर्टन परसेंटेज होगी जो सिर्फ देखने आई है, वो सब दुकानों पर होती है। सो जनरली पाकिस्तान को जब आप स्टडी करते हैं ना तो स्टैंड लोन्स के अंदर 100 में से 20 लोग खरीदते हैं आके, ये एक स्टैंडर्ड है। जो अच्छे पावर ब्रांड्स हैं वहाँ 25-30 भी ले लेते हैं, बट स्टैंडर्ड 20 का है, 18-20% का। सो जो भी अपने स्टोर की फिजिबिलिटी कोई बनाता है वो कहे कि यार एक्सपेक्ट, सो फुटफॉल की डिवाइसेस नहीं लगाते हैं पाकिस्तान के अंदर, लोगों को पता ही नहीं कि यार मेरे पर दिन में कितने लोग आए हैं। हाँ, सो मुझे अगर पता ही नहीं कि कितने आए तो मैं किस चीज़ पर प्रोजेक्शन निकालूंगा, ठीक है। जो मॉल्स हैं वहाँ पर आपकी रफली 10-15% के बीच में कन्वर्जन है, सो 100 लोग आएंगे और 10 लोग शॉपिंग करेंगे। जो बहुत ही हाई ट्रैफिक वाले मॉल है वहाँ इवन 10 से भी नीचे कन्वर्जन चली जाती है। सो नंबर्स ये वाले हैं जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, बट इससे लोग अवेयर नहीं हैं। तो जब तक आपके पास ये नंबर नहीं होंगे आप सेल क्यों नहीं होती है वो आंसर ही नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से एक हमारे बड़े अच्छे फॉलोअर हैं कासिम मलेशिया फाउंडेशन के पेज पे, वो हमें फॉलो करते हैं, उनकी तरफ से एक क्वेश्चन था कि सर ये IPT ATV कन्वर्जन रेट ज़रा मुझे यार सबसे पूछे ये क्या होते हैं और इसको मैं किस तरह से, उनका एक फुटवेयर का ब्रांड है बेसिकली, तो वो चाह रहे थे कि मैं उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ, ही डोंट हैव एनी सिस्टम राइट नाउ। उनका एक क्वेश्चन मुझे लिंक्डइन पे ही रिसीव हुआ था, तो मैंने कहा मैं उनके बिहाफ पे आपसे ज़रूर पूछूंगा। अच्छा देखें ये सुनने में बड़ी डेंजरस सी टर्म्स लगती हैं, अलग है रॉकेट्स के नाम ले रहे हैं IPT ATV कन्वर्जन। सो देखें कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डिवाइसेस की ज़रूरत नहीं है, वो आपके सिस्टम में जो सेल्स जा रही वहीं से निकल आती है। सो आपको लोग कितने आए इज फुटफॉल, ट्रैफिक पहली टर्म कारोबार की, उसके लिए आपको एक फुटफॉल की डिवाइस चाहिए होती है, अदरवाइज या आप फिजिकल वो तस्वीर दे दें लड़के को, कोई बैठा हुआ है वो काउंट करता रहे कार्ड जो है। फुटफॉल के बाद जो नेक्स्ट KPI है फुटफॉल से लिंक्ड, वो है कन्वर्जन, के 100 लोग आए उसमें से सेल्स में कितने कन्वर्ट हुए, जो मैं अभी बता रहा था आपको कि मॉल्स के अंदर 10-15% हैं, स्टैंड अलोन में 15-20% है, पावर स्टोर में 25-30% है। इसके लिए तो आपको डिवाइस या किसी एक बंदे को बिठाना पड़ेगा मैनुअल काउंटिंग के लिए। इसके अलावा जो बाकी की टर्म्स हैं जिस तरह IPT है, IPT UPT ये दोनों सेम है, बिल्कुल आइटम पर ट्रांजैक्शन, यानी आपने 100 बिल बनाए और 100 बिल्स के ऊपर आपने 20 आइटम पर बिल बेचे, यानी आपने सो आसान करते हैं, सो आपने 100 बिल बनाए और आपने 500 आइटम बेचे का मतलब है 5 आइटम आपने पर बिल बेचे एवरेज, इसका मतलब है 5 की IPT पे आप ऑपरेट कर रहे हैं। अब ये ठीक है या नहीं ठीक है सवाल ये है। सो आपको ये पता होना चाहिए कि यार अब जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पर जनरली आपके कॉम्पिटिशन किस पे ऑपरेट करता है। सो नॉर्मली पाकिस्तान में फैशन इंडस्ट्री के अंदर लोग 2-3 की IPT पे ऑपरेट करते हैं, एवरेज कस्टमर आके 2-3 गारमेंट या 2-3 आइटम आपसे खरीद रहा होता है। अयाज आई मीन यू आर अमेजिंग एंड सुपर्ब इन द होल सेशन, आई हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू, और वैसे भी आप रिटेल के गुरु हैं, सेल्स के गुरु हैं और मार्केटिंग के गुरु हैं, सो अल्लाह की ज़ात बड़ी है। नाउ आई वुड लाइक टू नो अबाउट माशाल्लाह योर ब्रांड जनरेशन पायनियर्स ब्रांड, व्हाट अ कंट्रीब्यूशन, आई मीन बहुत ज़बरदस्त सक्सेस स्टोरी है माशाल्लाह, बड़े अच्छे स्टोर्स हैं जो ऑल ओवर द पाकिस्तान, एम्बियंस बहुत अच्छा है, VM बहुत अच्छी है, कस्टमर सर्विस इज़ ऑन टॉप, क्या आप कामयाबी का राज है? यार कामयाबी का राज तो अल्लाह की रहमत है, ठीक है, और उसको जब आप डिफ़ाइन करते हैं तो आपको पता लगता है कि अल्लाह ने आपको कैसे कैसे ब्लेस किया। सो आई थिंक एक तो ब्रांड ईथोस है, जो ओनर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो हमेशा से बहुत क्लियर थे कि उन्होंने किन सेगमेंट्स के अंदर ऑपरेट करना है और उन्होंने किस तरह का प्रोडक्ट बनाना है। सो ब्रांड की एज तकरीबन 40 साल है, हमारी नेक्स्ट ईयर हम अपनी 40th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होंगे, और सो 1983 में ब्रांड लॉन्च हुआ था, और उस टाइम के ऊपर भी जो
इनिशियली पहले ये फैशन एक्सपोर्ट किया करते थे टू पेरिस एंड फ्रांस, पर उस टाइम के ऊपर फिर कुछ एक्सपोर्ट के ऊपर कोई कोटास का और कोई प्रॉब्लम आया, फिर उन्होंने कहा हम नेशनल अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं. सो इस तरह से ब्रांड केम इन टू बींग. जेनरेशन नाम इसलिए रखा था कि जेनरेशन फॉर जेनरेशंस. सो आप अगर देखेंगे इस साल 40 साल में, अब हम कई दफ़ा मैं स्टोर्स के ऊपर होता हूँ ना, तो कुछ चौथी जनरेशन भी वहाँ पर आई होती है, वो आके कहती हैं वो, और उनकी वालदा भी होंगी, उनकी नानी या दादी भी साथ होंगी, वो कहेंगे जी मैं अपने बचपन में स्टार्ट किया था. ठीक है, जनरेशन लेना. सो कामयाबी का राज जो है ना वो है हालात, लोग और नीयत. सो नीयत बहुत अच्छी थी. जब ब्रांड लॉन्च हुआ तो उस टाइम के ऊपर 100% कॉटन के अंदर प्रोडक्ट बहुत थोड़ा बनता होता था पाकिस्तान के अंदर. सो इन्होंने कहा कि यार 100% कॉटन और अच्छी, जो कोई एलर्जीज ना हो, और इस तरह के प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे. सो यहाँ से इनिशिएट हुआ था. फिर हमारी एक सर्टन कुछ प्रोडक्ट लाइंस थी जो कॉटेज इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी. अभी भी हमारी एक पूरी प्रोडक्ट लाइन है जिसका नाम है कॉटेज, और वो बनी भी उन औरतों की वजह से है जो कुछ सिंध में, स्वात में और डिफरेंट पाकिस्तान के इलाकों में घर में बैठ के काम करती हैं. तो हमारी सोर्सिंग की एक पूरी टीम है जो कॉटेज की लाइन के लिए घरों के अंदर औरतों को काम देती है. सो हम लाहौर से बैठ के हैदराबाद के अंदर भी जो कोई गांव होगा वहाँ पर औरतों को घरों में काम दिया होगा, कढ़ाई का, शीशे के काम का, कि वो वाली इंडस्ट्री ग्रो करे और उनको भी वो फ्लरिश भी करे, वो लोग पैसे भी कमाएं. फिर हम लोगों ने 100% कॉटन के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया. अभी रिसेंटली हमने फुटवेयर की अगर एक लाइन लॉन्च की तो वो भी हमने सिंथेटिक्स पे नहीं लॉन्च की है. हालांकि बहुत चैलेंजिंग है, पाकिस्तान के अंदर आपको 95% 98% वुमेन सिंथेटिक जूता पहने हुए नजर आएंगे, बिकॉज बंदे ज़रूर लेदर का जूता पहनते हैं, औरतों को इतना इंटरेस्ट नहीं होता है. बट हमने वो 100% लेदर में इसलिए लॉन्च की कि वो ऑथेंटिक है, उससे कोई स्किन की डिजीज़ नहीं होगी, वो कंफर्टेबल होगी, ड्यूरेबल होगी, लाइफ लॉन्ग होगी. अभी हम सस्टेनेबिलिटी पे भी एक काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वाटर प्रूफ है कैसे करेंगे, और हमारी जितनी वेस्टेजेज हैं उसके ऊपर हमने एक प्रोडक्ट लाइन बनाई है. सो जितने भी सूट में से धागे, कपड़े, बटन, नलकियाँ, कपड़े के टोटे बचते हैं, उसके ऊपर रीजेन के नाम से एक पूरी प्रोडक्ट लाइन बन गई है जो हमने अभी रिसेंटली ऑनलाइन सेल भी की है. बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है. तो मैं आपको बेसिकली समझा रहा हूँ कि जो नीयत थी वो बड़ी साफ थी कहीं ना कहीं. फिर उसमें बरकत डलती गई. हमने एक स्टोर से स्टार्ट किया गुलबर्ग वाले से. इनिशियली जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑपरेटिंग मॉडल था वो ये था कि जी हम प्रॉपर्टीज़ खरीद के एक्सपैंड करते थे. उस ज़माने में शायद वो वाइबल था और बड़ा अच्छा था. सो प्रॉपर्टी खरीदी, कमाया कमाया कमाया, फिर एक प्रॉपर्टी और ले ली. तो इस वजह से एक्सपेंशन बहुत स्लो थी. फिर रीसेंट पास्ट के अंदर आपने देखा पिछले 5 साल में कि मार्केट्स बहुत ज़्यादा बन गई हैं और फिर प्रॉपर्टी की रेट्स भी बहुत एग्रेसिवली इंक्रीज़ कर गए हैं. फिर हमने रेंटल मॉडल्स की तरफ भी मूव करना शुरू कर दिया. बट एक चीज़ अभी तक अगर आप जनरली देखेंगे वो ये कि यार रिस्पेक्ट, बिल्कुल ऑथेंटिक प्रोडक्ट, नीयत टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़. सो दिस इज़ वन ऑफ़ दी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर लोगों को बड़ा अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है. गारमेंट में से इस वजह से पैसे नहीं बचाए जाते हैं कि यार प्रॉफिट किसी तरीके से इंक्रीज़ कर लें ऑन दी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी. सो आई थिंक इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसने हेल्प किया है ब्रांड को यहाँ तक पहुँचने में, और इंशाल्लाह ताला आगे जाने में भी करेगा. ग्रेट, थैंक यू. एनी फाइनल वर्क डिड अबाउट कासिम अली शाह फाउंडेशन, प्लीज़ गो अहेड. यार कासिम अली शाह फाउंडेशन में मेरा ख्याल है फाउंडेशन अल्लाह जाने क्या है, बट कासिम अली शाह ही है जो नाम है जिसको हम देखते हैं. मैं बड़े थोड़े लोगों का ज़िंदगी में फ़ैन हुआ हूँ. मुझे लगता है कासिम साहब जो है ना वो आज के ज़माने के कोई मॉडर्न सूफ़ी हैं. सो आप जनरली 20-30 साल 40 साल पहले देखते थे तो लंबी दाढ़ियाँ और तस्मियाँ और उस तरह से आपको लोग मतलब एक सर्टन ऑरा होता था सूफियों का जिनसे लोग मिलने जाते थे और गाइडेंस लेते थे. आई थिंक ये एक नई शक्ल है जो रिलीजन पे भी बात करता है, सोसाइटी पे भी बात करता है, इखलाकियात पे भी बात करता है, और सबसे ज़्यादा नंबर आप अहादीस भी पढ़ें तो आई थिंक हुस्न अखलाक का सबसे ज़्यादा नंबर है. एक हदीस भी है, अल्लाह ताला कमी पेशी माफ़ करे, उसका मफहूम ये है कि अच्छे अखलाक वाले लोग जो है वो सारा दिन रोज़ा और पूरी रात इबादत करने वाले लोगों से भी आगे निकल जाएंगे. सो मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन है. जितनी फ्रस्ट्रेशन माशरे में इस टाइम पे है, आई थिंक कि छोटे छोटे क्लिप्स जो ऐसी आंखों से आपके गुजर जाते हैं जिसमें आपको कोई एक मैसेज मिल जाता है, मुझे तो लगता है अल्लाह का भेजा हुआ कोई फरिश्ता है जो इस ज़माने के अंदर ना लोगों को दोबारा मामलात की तरफ और अच्छाई की तरफ ला रहा है. और बहुत ज़्यादा रिलीजियस साउंड नहीं करता है उससे, मे भी लोग मे भी कई डिफरेंट लोग डिफरेंट रिलीजन से और डिफरेंट सेक्स से बिलोंग करते हैं, तो ये एक अच्छी बात है कि ये सेक्स पे और उस पर कभी बात ही नहीं करते हैं. ये ह्यूमन टू ह्यूमन
इंटरेक्शन के ऊपर ज़्यादा बात कर रहे होते हैं, आपकी वीकनेसेस किस तरह से आपने प्योरीफाई करनी है, दूर करनी है, उसको बात कर रहे हैं। सो आई थिंक बड़ी अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशन है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्प्रेड करना चाहिए। तो जो यंगर लॉट है, जो यंगर जनरेशन है, आई थिंक वो इस टाइम पे अपना कोई एक आधा उस्ताद पकड़ लें। सो आपको, मुझे हमेशा ये लगता था कि पाकिस्तान के अंदर काउंसलिंग नहीं है हमारी जनरली सोसाइटी में। मुलाजमत कहाँ करनी है, कोई काउंसलिंग नहीं है, बस एक हवा चलती है। सारे बैंकर बन रहे, बैंकर बन जाओ, सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लें। सो इसी तरीके से सोशल साइड पे भी कोई काउंसलिंग नहीं है। बचपन में आपको ज़रूर मिलती है, स्कूल में कहते हैं सच ना बोलें, झूठ ना बोलें, एक सर्टन स्टेज तक पेरेंट्स करते हैं, बट उसके बाद में लगता था कि आप यू आर एक्सपोज टू दी सोसाइटी अपेरेंटली। खुद ही सीखें, जो चीज़ को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं वो आप करते जाएँ। मुझे लगता है कि ये वो एक सोशल काउंसलिंग वाला एक ज़रिया ज़रूर है कि यार, जो आपको रिमाइंड कराता रहता है कि यार इस तरह से ऑपरेट करें, आपस में बिहेव इस तरह से करें, नेगेटिव चीज़ साइड पे कर रहे हैं। मुझे लगता है बड़ी अच्छी वैल्यू ऐड कर रहे हैं। अल्लाह थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका आज टाइम देने का, एंड इट्स एन ऑनर फॉर अस, एंड आई थिंक दैट यू हैव एडेड लॉट ऑफ थिंग्स। अगेन थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉल। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद नहीं होगी। अयाज जमील हमारे साथ थे, जो कि जनरेशन के रिटेल सेल्स और मार्केटिंग हेड हैं। इन्होंने हमें बताया कि एक मार्केटिंग प्लान कैसे होता है और मार्केटिंग का बजट किस तरह से सेट किया जाता है। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि जनरेशन ब्रांड की सक्सेस स्टोरी क्या है। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अनकरीब एक नई गेस्ट, नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। टेक केयर, बाय बाय।